नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक मॉस्क्यूटो रिपेलेंट सर्किट है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक BC547 ट्रांजिस्टर, एक 1M और एक 4.7 के रजिस्टर। उसके बाद इस 1M रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ और इस 4.7 के रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 4.7 के और इस 1M रजिस्टर का ये दो बाकी पॉइंट्स हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 470 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ और इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हम इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 1N4007 डायोड और एक 47 के रजिस्टर। उसके बाद इस डायोड का एनोड पॉइंट हम इस पॉइंट के साथ और इस 47 के रजिस्टर को हम इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक पाइजो स्पीकर। और दोस्तों, यह स्पीकर आपको आसानी से किसी पुराने बजर से मिल जाएगा। उसके बाद स्पीकर के इस तार को हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ, स्पीकर के इस तार को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ और स्पीकर के इस तार को हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक मॉस्क्यूटो रिपेलेंट सर्किट अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।